हेलो फ्रेंड्स, आज हम चॉकलेट आलमंड डेट्स बनाएंगे। उसके लिए हमने पिन खजूर ली है, उसको मैंने अच्छे से धो लिया है और इसको अब हम बीज निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे पीन खजूर के बीज निकाल देंगे। हमने पीन खजूर में से सारे बीज निकाल दिए। अब हम बादाम को रोस्ट करेंगे। पैन में बादाम डालेंगे। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और इसको अच्छे से रोस्ट कर देंगे। हमने 2 मिनट रोस्ट कर लिए मीडियम फ्लेम पे। अच्छे से रोस्ट हो गई। अब हम गैस बंद कर देंगे। ये मैंने डार्क चॉकलेट ली। आप चाहो तो सिंपल चॉकलेट भी ले सकते हो, व्हाइट चॉकलेट भी ले सकते हो। हमने पानी गर्म रख दिया, उस पर हम ये बाउल रख देंगे जिससे चॉकलेट पिघल जाएगी। अच्छे से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। अब हमने जो बीज पीन खजूर में से बीज निकाल रखे थे, उसमें हम एक एक रोस्टेड बादाम इसमें पैक कर देंगे अच्छे से। इसी तरह हम सारी बादाम पैक कर देंगे पीन खजूर के अंदर। सारी बादाम पिन खजूर में पैक कर लिया। अब हम एक टूथपिक लेंगे। टूथपिक की सहायता से इसको हम पैक कर देंगे। इसी तरह हम सारी पिन खजूर पैक कर लेंगे। ये चॉकलेट एकदम मेल्ट हो गई है अच्छे से। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसको चॉकलेट में डिप कर देंगे अच्छे से। ये चॉकलेट खाने में भी टेस्टी और अच्छे हेल्दी है। इसी तरह हम सारी चॉकलेट डिप कर देंगे। हमने सारी पीन खजूर पर अच्छे से कोटिंग कर ली है। अब हम इसको 5 मिनट फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से पहले हम इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आवे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। इस पर आप नारियल का बुरादा या और भी कुछ डाल सकते हैं, पिस्ता है इसे सजाने के लिए। अब हम 5 मिनट फ्रिज में रख देंगे। ये हमारे चॉकलेट्स बनकर तैयार है। ये हेल्दी टेस्टी अच्छी एकदम बच्चों के लिए। तो ये देखो, अब हम इसकी स्टिक से निकाल देंगे इसमें।